मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 4 द माउस। एज यू नो दैट देर आर 4 मेन पार्ट्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एंड माउस। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी भी कंप्यूटर में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। तो आज हम बात करेंगे माउस की। व्हाट इज अ माउस और व्हाट इज द यूज ऑफ माउस। एक कंप्यूटर माउस इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। ओके, तो एक कंप्यूटर माउस हैज टू बटन्स। सब माउस में है 3 बटन्स। जो कंप्यूटर माउस होते हैं उसमें 2 बटन होती हैं और कुछ कंप्यूटर माउस में 3 बटन्स भी होती हैं। जिन कंप्यूटर माउस में 2 बटन होती हैं, फर्स्ट बटन जो होती है उसको कहते हैं लेफ्ट बटन, जो सेकंड होती है उसको बोलते हैं राइट बटन। ठीक है, द माउस आल्सो हैज ए स्क्रॉल व्हील। और दोनों बटन्स के बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन 2 बटन्स। दोनों बटन के बीच में जो एक स्क्रॉल लगा होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, जो कि थर्ड बटन का काम भी करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका माउस किस तरह से शो होता है। ये तो हो गया आपका माउस। ठीक है, ये हो गया आपकी लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील। और ये जिस माउस, जो वायर्ड माउस है, एक वायर के थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से माउस में 2 बटन्स होती हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। द माउस हैज ए वायर दैट अटैच इट टू द सीपीयू बॉक्स। माउस में एक जो वायर होता है, उस वायर के थ्रू ही हमारा माउस सीपीयू बॉक्स में अटैच किया जाता है। नाउअडेज कंप्यूटर माउस आर यूजली वायरलेस, दे डू नॉट हैव वायर्स। आजकल जो हमारे अपडेटेड माउस आ रहे हैं वो वायरलेस होते हैं। वायरलेस मीन्स वो ब्लूटूथ और वाईफाई से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का वायर यूज नहीं करते हैं। ओके, द माउस इज ए प्लेस ऑन माउस पैड। जो माउस होता है उसको हम माउस पैड पे रख के यूज करते हैं। इट इज ए फ्लैट स्मूथ पैड दैट हेल्प्स यू मूव द माउस स्मूथली। एक फ्लैट और स्मूथ पैड होता है जिस पे माउस को रखकर हम इजीली मूव कर सकते हैं। ये आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप जो ब्लू कलर से यहाँ पे सो रहा है, ये आपका माउस पैड है जिसपे माउस को रख के हम इजीली यूज कर सकते हैं। द कंप्यूटर माउस आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो कंप्यूटर के माउस होते हैं वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस में हमें मिल जाते हैं। व्हेन यू मूव द माउस एन एरो इज विजिबल ऑन द मॉनिटर। जब आप अपने माउस को मॉनिटर पे मूव करते हैं तो जो माउस का सिंबल होता है वो एरो बन के इस तरह से हमें मॉनिटर पे शो हो जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड, ये जो एरो बन के जो सिंबल मॉनिटर पे शो होता है इसको हम क्या कहते हैं। इट इज कॉल्ड माउस पॉइंटर और कर्जर। इसको हम क्या बोलते हैं, तो आपके पास एक बॉक्स दिया गया है उसमें फिल कर लीजिए। माउस पॉइंटर और कर्जर। तो जो माउस को मूव करने से जो सिंबल हमारे मॉनिटर पे में शो होता है मूव करता हुआ, उसको बोलते हैं माउस पॉइंटर और कर्जर। द माउस कर्जर और पॉइंटर कैन बी डिफरेंट टाइप्स। जो माउस का पॉइंटर या कर्जर होता है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 3 मेन टाइप्स आर शोन बिलो। जो 3 मेन होते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये जो एरो का सिंबल बन के आता है ये सबसे बेसिक होता है, मोस्टली यही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ लोकेशंस पे ये साइन चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से हैंड का भी सिंबल बन के आने लगता है, इस आई सिंबल में भी बन के आता है। तो 1, 2, 3 ये 3 मेन सिंबल्स होते हैं। ओके, एरो माउस पॉइंटर, हैंड माउस पॉइंटर, आई बीम माउस कर्जर, यूजेस आ माउस। अब माउस का यूज क्या होता है, माउस को किस पर्पज से यूज करते हैं। द कंप्यूटर माउस इज यूज टू परफॉर्म मैनी टास्क। कंप्यूटर माउस का यूज बहुत से टास्क को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। फर्स्ट, टू पॉइंट एट पिक्चर्स, बर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मॉनिटर। हम
हमारे मॉनिटर पर जो भी पिक्चर्स हैं, वर्ड्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किए हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। सेकेंड, टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए माउस का यूज करते हैं। तो ओपन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए भी माउस का यूज करते हैं। माउस से दो बार लेफ्ट क्लिक एक साथ प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट, टू स्टार्ट ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। टू ड्रा ए पिक्चर, किसी पिक्चर को ड्रा करने के लिए भी हम माउस का यूज करते हैं। एंड टू प्ले गेम्स, और गेम्स खेलने के लिए भी हम माउस का यूज करते हैं। प्रोग्राम इज एन एप्लीकेशन यूज फॉर स्पेशल पर्पज सच एज ड्राइंग पिक्चर्स, टाइपिंग लेटर्स ऑन ए कंप्यूटर। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल में देखा होगा बहुत से आपके सॉफ्टवेयर आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो कैमरे का सॉफ्टवेयर है उसका यूज क्या होता है? आप फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद कुछ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके आते हैं जिससे आप फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में नॉर्मली पेंटिंग बनाने के लिए हम पेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कुछ भी लिखने के लिए नोट पैड, वर्ड पैड, एम एस वर्ड का यूज करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। ओके, नाउ टेक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है चेक पॉइंट में, तो करेक्ट सेंटेंस पे आपको टिक करना। फास्ट, देर आर टू और थ्री बटन्स ऑन ए कंप्यूटर माउस, या कंप्यूटर माउस में दो या तीन बटन होते हैं, ये आप समझ लीजिए। चेक पॉइंट, फर्स्ट, क्या किसी कंप्यूटर माउस में दो या तीन बटन होती हैं? यस, होती है, हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, सेकेंड, एक कंप्यूटर माउस इज यूज टू प्ले गेम्स, क्या कंप्यूटर माउस का यूज हम गेम्स प्ले करने के लिए करते हैं? यस, सेकंड इज आल्सो ट्रू। थर्ड, ऑल माउस डिवाइसेस हैव वायर्स, क्या सभी माउसेस में वायर्स होते हैं? नहीं, कुछ वायर्ड जो माउस होते हैं उसमें वायर्स होते हैं बट कुछ ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, जो इनको हम वायरलेस माउस बोलते हैं, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ए माउस इज यूज्ड टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, क्या माउस का यूज हम कंप्यूटर को ऑन करने के लिए करते हैं? नो, इट इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपके ये फोर क्वेश्चंस दिए गए थे जिसके आंसर हम आपको बता चुके हैं। फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ वन इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, होल्डिंग द माउस, आप माउस को किस तरह से होल्ड करते हैं? लुक एट द पिक्चर, ऑब्जर्व हाउ द हैंड इज होल्डिंग द माउस। पिक्चर को देखिए और समझिए कि माउस किस तरह से हम हाथ से अपने माउस को होल्ड करते हैं। ये आपका माउस है, इस पर हमने इस तरह से इसको पकड़ते हैं। इसमें दो फिंगर्स होती हैं, फर्स्ट फिंगर हमारी लेफ्ट पे रहती है, जो सेकंड फिंगर होती है वो राइट बटन को कवर करती है, राइट बटन को प्रेस करते हैं। द माउस नीड्स टू बी हेल्ड विद वन हैंड, माउस को यूज करने के लिए उसको हमें एक हाथ से पकड़ना होता है। द ग्रीन कलर्ड फिंगर needs to be placed on the left mouse button, जो हमारी ग्रीन कलर की फिंगर है इस फिगर में दिखाई गई है, ये फर्स्ट फिंगर होती है जिसको हम लेफ्ट बटन पे प्रेस करते हैं या रखते हैं। द ब्लू कलर्ड फिंगर needs to be placed on the right mouse button, जो हमारी सेकेंड फिंगर ब्लू कलर से पेंट की गई है इसको हम राइट बटन के लिए यूज करते हैं। द स्क्रॉल व्हील needs to be used with green colored fingers, और जब भी हमें नीड होती है तो ग्रीन कलर की फिंगर से हम स्क्रॉल व्हील को यूज करते हैं। द पाम शुड बी प्लेस्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द माउस, और जो आपकी पाम हथेली होती है ये माउस के बाकी पार्ट को कवर करती है, माउस को पकड़ने के लिए यूज की जाती है। यूजिंग माउस बटन्स, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन्स इज नोन एज क्लिकिंग, आप किसी भी माउस के बटन को प्रेस करते हैं फिर छोड़ देते हैं या रिलीज कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्लिकिंग, मीन्स क्लिक करना। यूज आप लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का यूज करते हैं। क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस
बंस इज कॉल्ड द लेफ्ट क्लिक। जब भी आप लेफ्ट क्लिक लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक हेल्प्स अस टू सिलेक्ट एंड ओपन एन ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। लेफ्ट क्लिक की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस बंस। माउस की राइट बटन को एक बार प्रेस करने से उसको राइट क्लिक कहते हैं। राइट क्लिक हेल्प्स अस टू ओपन पॉपअप मेनू ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर। हमारे मॉनिटर पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका पॉपअप मेनू ओपन करने के लिए हम राइट क्लिक का यूज करते हैं यूजिंग स्क्रॉल व्हील। अब स्क्रॉल व्हील का यूज क्या होता है वो समझ लीजिए। समटाइम्स ए डॉक्यूमेंट इज सो लार्ज दैट इट्स कंटेंट डज नॉट फिट ऑन द स्क्रीन। कभी कभी हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है कोई पीडीएफ फाइल होती है वो इतनी बड़ी होती है कि स्क्रीन पे एक बार में शो नहीं हो पाती है। सो टू सी द हिडन कंटेंट वन नीड टू मूव द डाउन और अप अलोंग द डॉक्यूमेंट। तो माउस की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं जिससे कि हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकें पढ़ सकें। दिस इज डन बाई रोलिंग द व्हील विद द इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर का यूज करके हम इस व्हील को ऊपर नीचे मूव करते हैं। दिस इज नोन एज स्क्रॉलिंग जिसको कि हम स्क्रॉलिंग के नाम से जानते हैं स्क्रॉल बटन। यू रोल द व्हील टुवर्ड्स यू टू स्क्रॉल डाउन द डॉक्यूमेंट। रोल इट अवे फ्रॉम यू टू स्क्रॉल अप। आप जब इस बटन को अपनी तरफ मूव करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट स्क्रॉल डाउन हो जाता है। जब आप अपने दूसरी तरफ माउस को रोटेट करते हैं माउस स्क्रॉल बटन को रोटेट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपका ऊपर की तरफ जाता है। तो यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।